स्पाइडर ने जाने भी दी। अच्छा ये लो ना मैं कितना स्पाइडर उड़ता हो क्या सोलो स्पाइडर मॉम हो क्या सोलो स्पाइडर एला उड़ता तो शाबाश मेरे बेटे शाबाश मेरे बेटे। Hi guys, whatcha doing? अभी बहुत टाइम से हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया था, उसका रीजन है कि राइड के लिए प्लान कर रहा था अभी बहुत टाइम से, इसी राइड के लिए प्लान कर रहा हूँ। मतलब ये सिंगल राइड नहीं होने वाला है, मतलब काफ़ी सारा लंबा राइड है ये, मतलब लेकिन ऐसा बैक टू बैक जाके वापस घर जाऊँगा, फिर वापस जाऊँगा, फिर वापस घर आऊँगा, इस तरह से कुछ राइड होने वाला है। तो उसी के लिए प्रिपेरेशन किया था, इसके लिए मैं कोई अभी बाइक का वीडियो वगैरह नहीं बनाया था मैंने। तो अभी बेसिकली क्या है बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस अभी हम लोग क्या है बेसिकली, ये जो बुक है अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ श्रीमान योगी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है बुक। तो इसी बुक में जो इनका जर्नी है, ये किस किस फोर्ट पे ये लोग गए थे, शिवाजी महाराज गए थे, जो जो फोर्ट इन्होंने काबिज किया है, मेरे को उन सब फोर्ट पे जाने का है। तो उसी के लिए मेरा ये सारा जो भी प्रिपरेशन है ये उसी के लिए है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा सोचा है कि अपना एक तो उनका जो पहला जन्म स्थान जो था शिवनेरी, वहाँ पे जाऊँगा, लाल महल वाड़ा, और उसके बाद में उधर आसपास के और दो तीन फोर्ट है, एक तोरणा, चाखंड वगैरह, वो सब देख के आऊँगा, और लास्ट में रोहिडेश्वर फोर्ट। तो ये सारा मैं देख के आने का अभी मेरा फ़िलहाल प्लान है। ये बहुत ही लंबा जर्नी होने वाला है, ये मतलब बोलते हैं ना कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में पूरा शिवाजी महाराज का जर्नी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो मतलब एक दो साल तो लगेगा इसको, जाके फिर वापस घर पे आना पड़ेगा, फिर वापस से थोड़ा समझ गया ना, मतलब थोड़ा रिसोर्सेज जमा करके फिर वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके। तो ऐसे अलग अलग जगह अभी हम लोग कवर करेंगे, और इसके बाद में ये पूरा जो शिवाजी महाराज का जर्नी है वो ख़त्म होने के बाद और भी आगे हिस्टोरिकल दूसरे प्लेसेस है वहाँ पर जाएंगे। तो ये फ़िलहाल ऐसे मेरा प्लान है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। तो ये अपना अभी बाइक है, ये सेटअप है, यहाँ पर अपना टैंक बैग, ये यहाँ पे राइनोक्स का स्टॉम प्रूफ बैग, और ये पीछे ASG का टॉप बॉक्स। तो अच्छा बहुत टाइम से अभी इसका तैयारी कर रहा हूँ मैं बाइक का पूरा, इसके लिए मैंने कभी वीडियोस वगैरह नहीं डाला था। तो ये है अभी प्रिपरेशन सब कुछ हो गया है, कल निकलने का है। तो आप लोग रहो साथ में, इंजॉय करेंगे हम लोग भी, सब फोर्ट्स वगैरह देखेंगे। ओके मिलते हैं फिर कल राइड पर। गुड मॉर्निंग गाइज, अपना राइड स्टार्ट करते हैं। अभी बजे सुबह के 5:14 हुए, और डिस्टेंस टू शिवनेरी फोर्ट अपना 10 hours 39 minutes दिखा रहा है यहाँ पे, 503 किलोमीटर। तो निकलते हैं, मिलते हैं फिर। Thank you.
तो गाइस अभी बजे है 2 और अभी हम लोग पुणे से एक बोलते हैं ना मतलब 50 किलोमीटर पहले और यहाँ से शिवनेरी फोर्ट और 130 किलोमीटर है मतलब पुणे से और एक 80 किलोमीटर आगे। तो मेरे को क्या करने का है जल्दी से जल्दी उधर पहुँचने का है ताकि अंधेरा होने से पहले जाने का है क्योंकि अपने को क्या है उधर पे मैंने कुछ रूम वगैरह बुक नहीं किया है। अभी जाऊँगा वहाँ पर और वहाँ पर जाके मैं रूम बुक करूँगा तो इसके लिए अंधेरा होने से पहले पहुँचेंगे उधर। अभी 130 किलोमीटर ही है और अभी सिर्फ 2 बजे है। अभी यहाँ पे थोड़ा अभी मिसल पाव वगैरह खाया मैंने, यहाँ पे एक ऐसा ही जगह ढूंढ रहा था मैं थोड़ा शांति से जहाँ पे खाने मिलेगा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, अच्छा जगह मिला अच्छा खाना हुआ। अभी फट से मतलब उधर पहुँचने का किधर अपना जुन्नर में शिवनेरी फोर्ट के आसपास ही किधर रूम देखेंगे और फिर वहाँ से कल सुबह फ्रेश होके सीधा शिवनेरी फोर्ट के ऊपर। ओके तो देखते हैं कैसा क्या है उधर रूम का कैसा क्या सेटिंग होता है वो देख के फिर आप लोग को अपडेट करता हूँ। ओके लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसके वजह से थोड़ा 1 घंटा डिले हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और यहाँ पे मतलब आने के बाद मेरे को ऐसा था कि एक चीप और बेस्ट रूम चाहिए, लेकिन चीप मिला है लेकिन बेस्ट नहीं मिला है। ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग एक्चुअली आए यहाँ पे शिवाजी महाराज के मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स देखने के लिए, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है रूम से वगैरह। अपने को रूम क्या सिर्फ रात को सोने के लिए चाहिए, सवेरे उठ के फोर्ट पे जाने के अपने को, तो अपना प्रायोरिटी वो है। और आगे जर्नी में कहीं पे चीप एंड बेस्ट दोनों भी कॉम्बिनेशन मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी मतलब चीप के साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, बेस्ट के साथ में कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये पूरा जर्नी है ना इसमें पैसा बहुत लगेगा, इसके लिए चीप रूम चाहिए ही चाहिए, लेकिन बेस्ट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। इसके लिए मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में और एक बात नहीं बताया था मैंने कि इस जर्नी के लिए मैंने अपना GT भी बेच दिया है। बहुत ही भारी मन के साथ मैं आज बाइक को आखिरी बार धो रहा हूँ, आज इसकी विदाई है, बाइक को बेच रहा हूँ मैं आज, अभी आज जाके मैं दे दूंगा बाइक को जिसने बाइक परचेस किया उसको। तो बाइक बेच क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आने वाला जो भी जर्नीज है उसमें अपने को ये जो एक्सपल्स है उसका ही काम है, तो ये यहाँ पे मतलब ऐसे ही पड़ी रहेगी, इसका कुछ यूज़ नहीं है तो रख के बिना वजह मतलब नहीं है ना, इसके लिए मैं बाइक को बेच रहा हूँ। तो ये फर्स्ट रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आगे वाले अपनी जो भी हम लोग का जो आने वाला अभी जर्नीज है उसमें सब में पैसा लगेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन साथ में उसको अकम्प्लिश करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो इसके लिए मैं बेच रहा हूँ। अभी एक्शन कैम लेना पड़ेगा, ये अभी मैंने एक्शन कैम लिया भी है अपना इंस्टा 360 का GoTo, फिर उसके बाद में
और दूसरा भी लेना पड़ेगा गोप्रो वगैरह, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए मैं बेच रहा हूँ इसको। तो देखते हैं, अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये, तो उसमें मैंने बराबर से पूरा एक्सप्लेन किया मैं क्यों बेच रहा हूँ और कहाँ पे जाने वाला हूँ वो सब। तो आप लोग देखना वीडियो, एंजॉय करना। ओके, इसके लिए मेरे को क्या है, मतलब ज़्यादा हाई फाई जगह पे रूम्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को बड़ा बाइक, एक्सपेंसिव बाइक नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को एक्सपल्स है, एक्सपल्स से आराम से घूम सकते हैं सब जगह पे और उसका माइलेज भी अच्छा है। इसके लिए मैंने जीटी को भी बेच दिया, अभी उसी पैसे से मैं पूरा जर्नी करूँगा। तो इसके लिए चीप के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज, बेस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और अभी थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ मैं, और सुबह 6 नहीं तो 6:30 बजे आपको मिलूंगा, और 7 बजे एग्जैक्ट फोर्ट जब भी खुलता है फोर्ट टूरिस्ट लोग के लिए, उसी टाइम पे 7 बजे हम लोग फोर्ट के पास रहेंगे। तो मिलते हैं फोर्ट के पास कल सुबह। ओके okay?